नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर लर्निंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज चलिए देखते हैं फोटोशॉप एप्लीकेशन का यूज करके पैकेट डिजाइन करने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हमने ये इंटरनेट से लिए, ये भी इंटरनेट से और ये भी इंटरनेट से होगा, तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। पहले हम ये ब्लैंक चिप्स का ये पेपर हमने डाउनलोड किया, इसे हम क्या करते हैं मैग्नेटिक टूल लेकर इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आराम से आप लोग मैग्नेटिक टूल का प्रयोग करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं इसे, सॉरी गलत हो गया, तो बैक स्पेस प्रेस करेंगे और ये फिर से इसे आगे की ओर माउस ट्रैक करेंगे तो ये हो जाएगा। बैक स्पेस इंटर के ऊपर में जो होता है डबल क्लिक, सॉरी चलिए देखिए ये सिलेक्शन हो गया है। कंट्रोल एन देंगे और यहाँ देखिएगा बैकग्राउंड वाइट नहीं ट्रांसपेपर ले लीजिएगा। यहाँ लेने के बाद इसको मूव कर देते हैं, इस पर हमने मूव कर दिए। उसके बाद इसको हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, इंटर मार दिए। एक और हम इसको अभी हम हटा देते हैं, अभी इस पेपर एक हम न्यू और ले लेते हैं, सेम रखेंगे यहाँ देख लीजिए आप लोग। और उसके बाद इसको भी इस पर भी एक बार ट्रैक कर देंगे क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों साइज का हमें बनाना है। चलिए हो गया, इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद देखिए ये पैकेट है, इसको हमको ट्रैक करके इस पर लेना है, हमने इस पर ले लिए। उसके बाद इसको कंट्रोल टी लगा देने, कंट्रोल टी लगाने के बाद पैकेट में आप लोग इसे एडजस्ट कर लीजिएगा ये जितना एडजस्ट हो। देखिए हमने इधर एडजस्ट कर लिए, इधर थोड़ा और आएगा, हाँ एडजस्ट कर लिए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, अप्लाई पहले मार दीजिएगा यहाँ से, उसके बाद अल्ट के साथ अल्ट बटन प्रेस करके, देखिए माउस अल्ट प्रेस करके इन दोनों के बीच में हमें क्लिक करना है। देखिए हो गया ना, इन दोनों लेयर के बीच में मारना है अल्ट के साथ। देखिए माउस आइकन इस तरीका बनने के बाद देखिए अल्ट के साथ कीजिएगा तो उसके बाद हो जाएगा। चलिए फ्रंट पेज बन गया, इस पेज को हम काट देते हैं नो। उसके बाद चलिए इसे साइड रखते हैं, अब इस पर इसको बनाना है। देख लीजिए आप लोग फिर से यहाँ से मूव टूल ले लेंगे, मूव टूल लिए हुए हैं इस पर रखेंगे। उसके बाद कंट्रोल टी लगा देंगे, कंट्रोल टी लगाने के बाद इसे हम एडजस्ट कर लेंगे अपने शेप के अनुसार। हम अपना एडजस्ट करते हैं, हाँ ये देखिए हो गया कुछ इस प्रकार को। उसके बाद इंटर मार दीजिए, सही का निशान लगा दीजिए, अप्लाई हो गया। उसके बाद अल्ट बटन प्रेस करके और इन दोनों को बीच में लेयर में क्लिक करना, देखिए शेप बन चुका है। उसके बाद हम एक न्यू पेपर लेते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और उसके बाद कंट्रोल एन से न्यू लेते हैं और इसकी हम विड्थ और हाइट बढ़ा देते हैं 1200 और गुने 1200 दे देते हैं, ओके मार दिए। उसके बाद इनमें क्या कीजिएगा, अब इन दोनों सब लेयर को मर्ज कर दे, कंट्रोल ई से मर्ज कर दीजिएगा। और उसके बाद इसको हम इस पेपर पर लाते हैं, इसको भी हमें मर्ज करना है, इन सभी लेयर को कंट्रोल ई से मर्ज कर लीजिएगा। चलिए हो गया, उसके बाद फिर से इसे हम लाएंगे, आ गया। हम इसे कुछ इस प्रकार के एडजस्ट कर लिए, उसके बाद हम इसे सेव कर लेते हैं, अप्लाई करके कंट्रोल एस मारेंगे और आप अपने जेपीजी पीएनजी मोड, हम जेपीजी लेते हैं और डेस्कटॉप पर हम 1 2 3 नाम से हम सेव कर देते हैं। मिनिमम मैक्सिमम आप लोग ये नॉर्मल रहने दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। देखते हैं किस प्रकार का बना फोटो, देखिए कुछ इस प्रकार का मेरा पैकेट डिजाइन हो चुका है। अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के पास, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग को मिलता रहे। धन्यवाद।